राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का यहां पर स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूं सुरेश पुरोहित और पिछले 4-5 साल से विभिन्न कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल से जुड़िए ताकि यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, आपके लिए स्ट्रक्चर कोर्स एंड आपको लाइव टेस्ट क्विज और अनलिमिटेड आपके लिए एक्सेस यहाँ पर अवेलेबल होगा। काम आपको केवल एक ही करना है कि आपको अनअकैडमी पर RPSC का सब्सक्रिप्शन लेना है। उसमें आप 24 महीने का कोर्स आप खरीद सकते हैं जिसमें आपका कंप्लीट RS3 और मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसमें आप पुरोहित10 कोड जो है उसे यूज कीजिए ताकि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 24 महीने की फीस 10% डिस्काउंट के बाद में मात्र 7,560 रुपए। कंप्लीट RS3 और मेंस का कोर्स, सभी टीचर के वीडियो शामिल, नोट्स वगैरह सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम राजस्थान के दुर्ग की सीरीज, राजस्थान में जो फोर्ट है उस सीरीज को हम जो है कवर कर रहे थे, जिसमें कल हमने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके बारे में हमने पढ़ा था और मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि दुर्ग की सीरीज में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो सांके हैं, जो स्थापत्य हैं, उसकी बात की थी। आज हम राजस्थान का एक और पर्वतीय दुर्ग जो अरावली पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है, जो राजसमंद जिले में स्थित है, जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बनावट, इसके निर्माण कर्ता से लेकर ऐतिहासिक और स्थापत्य के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां इस दुर्ग से जुड़ी हुई है, इसे हम आज कवर करेंगे। और देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग, सबसे पहली बात, कुंभलगढ़ दुर्ग, हम सबको पता है कि राजस्थान में जो है अरावली की पहाड़ियां हैं और राजस्थान में अरावली पहाड़ियों की शुरुआत जो है वो सिरोही जिले से होती है। कहाँ से होती है? सिरोही जिले से अरावली की पहाड़ियों की शुरुआत होती है। और आप देखोगे तो ये सिरोही से लेकर झुंझुनू तक जो है ये विस्तारित है, ठीक है ना, झुंझुनू तक विस्तारित है। और इसी में अरावली की पहाड़ियां जो राजसमंद में है, जो राजसमंद जिले से होकर गुजरती है, ये राजसमंद में अरावली की पहाड़ियों पर एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। और कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजवंश जो था, मौर्य शासक संप्रति द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन जो इस दुर्ग को, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को एक नया रूप देने में या उसके पुनर्निर्माण में जिस शासक ने जो सबसे बड़ी भूमिका अदा की है, उनका नाम है कुंभा, ठीक है। ये मेवाड़ के महाराणा जो कुंभा थे, उन्होंने 1448 में, इनके दरबार में एक जो है शिल्पी थे जो क्या काम करते थे, जो दुर्ग निर्माण के कार्य से जो अवगत थे, इन शिल्पी निर्माण जो है शिल्पी की देखरेख में, शिल्पी का नाम था मंडन, इन मंडन की देखरेख में 1448 में कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण बनाया करवाया गया। ये दुर्ग जो है, ये राजस्थान में वो दुर्ग है जिसकी जो है आप देखोगे प्राचीर यानी दीवार की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। ये दुर्ग जो है, इसके इस दीवार की लंबाई जो है वो अराउंड 36 किलोमीटर ये लंबा दुर्ग है, जिसकी दीवारें जो है अरावली की पहाड़ियों में फैली हुई है। और जब भी, एक बार और बताऊं कि जब भी मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ है, जब भी इतिहास में मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ है, तो इस दुर्ग से जो मेवाड़ के महाराजा हैं और उनका राज परिवार जो है वो कहां पर पहुंचा है, राजसमंद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा है। इसलिए कई बार जो है इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जब भी मेवाड़ पर संकट आया है, कुंभलगढ़ दुर्ग ने मेवाड़ के महाराणाओं को जो है राज्याश्रय प्राप्त या राज्याश्रय प्रदान किया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इस दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग में कोई बड़ा युद्ध तो नहीं हुआ है जिसके कारण जो है यहाँ पर कोई साका घटित हुआ हो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग में कोई साका हुआ है। साका के अंतर्गत हम बात जो करते हैं वो केसरिया और जौहर की बात करते हैं, तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ऐसा कोई साका नहीं हुआ है। लेकिन इस दुर्ग में आप देखोगे, इस दुर्ग के निर्माण में कुछ जो है विशेष उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। जैसे एक दुर्ग के अंतर्गत एक कटारगढ़ नाम का एक छोटा दुर्ग स्थित है, इसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी पुकारा जाता है, मेवाड़ की आंख, ठीक है। यहाँ पर देखिए, झाली रानी का मालिया स्थित है, झाली बाब बावड़ी भी यहाँ स्थित है, मामा देव का कुंड, मामा देव राजस्थान में जो वर्षा के देवता, जो
वर्षा के देवता के रूप में पूजे जाते हैं मामादेव। आप देखा होगा कि गांव के बाहर जो है चौराहे पर या किसी जगह पर जो है आप देखिए उनका इस प्रकार से जो स्थान बनाया जाता है जिसको थान कहते हैं, और यहाँ पर मामा जी के जो घोड़े जिनका निवास स्थान यहाँ पर जिनको रखा जाता है और जिनकी पूजा की जाती है, वर्षा के देवता मामादेव का कुंड भी यहाँ देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी यहीं स्थित है जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर भी स्थित है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा ही करवाया गया था। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर जो है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें इतिहास में तो उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था, और उदय सिंह जो राजगद्दी पर जब चढ़े थे तो उनका राज्याभिषेक जो है इसी दुर्ग में हुआ था, और प्रताप महाराणा प्रताप जिनके बारे में राजस्थान के इतिहास में या जिनका राजस्थान के इतिहास में एक अलग स्थान है महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी में उनकी वीरता या हल्दी घाटी के बाद उनका जो मुगलों के साथ संघर्ष है उस संघर्ष में उनके जो साहस को लेकर राजस्थान के इतिहास को जिस प्रकार से एक गौरवशाली व्यक्तित्व प्रदान हुआ है, उन्हीं महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो भी इसी दुर्ग में हुआ है। जब इस दुर्ग को आप देखोगे कि मुगलों के आक्रमण हुए थे तो उस समय अबुल फजल जो मेवाड़ में पहुंचे थे, जब उन्होंने इस कुंभलगढ़ दुर्ग को देखा तो उसको लेकर उन्होंने अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने जो बात रखी है कि ये दुर्ग इतना बुलंदी पर बना है, ये बुलंदी यानी इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर से पगड़ी भी गिर जाती है। ये अबुल फजल का कथन है कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि आपको जो है अपनी गर्दन को 90 डिग्री पर लेके जाना होगा और आपकी पगड़ी तक गिर जाएगी। और जब कर्नल जेम्स रॉड जो एजीजी बनकर जब आए थे राजपूताना में, तो उन्होंने कर्नल जेम्स रॉड ने आप देखिए कि जब इस दुर्ग को देखा तो इस दुर्ग की प्राचीर यानी दीवार जो 36 किलोमीटर इसकी प्राचीर है, और बुर्ज यानी छोटे छोटे जो दरवाजे हैं इसको देखकर जो है इसकी तुलना जो यूरोप में एक एट्रुस्कन नाम का जो दुर्ग है उससे की है कि ये दुर्ग जो है कुंभलगढ़ वो यूरोप के एट्रुस्कन दुर्ग के समान है। तो ये आज का जो दुर्ग है, हमने कुंभलगढ़ के बारे में बात की। इसी प्रकार की मजेदार चीजें जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से हम चीजों को कवर करते हैं प्लस पर जो है उसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद आप RPSC पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। वहां पर आप 12 महीने और 24 महीने के लिए जुड़ सकते हैं। 12 महीने की फीस मात्र 7,000 रुपए, 24 महीने की फीस मात्र 8,400 रुपए। आपका कंप्लीट RS प्री और मेंस का कोर्स विद नोट्स होगा इसमें। Pro-10 मेरा कोड है, इस कोड के थ्रू आप 10% का फायदा उठा सकते हैं जिसमें 6,300 रुपए और 7,560 रुपए आपकी फीस हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि आने वाले मेरे और अन्य टीचर के वीडियो आपको मिल सके। यदि आपका कोई डाउट है एडमिशन से लेकर वगैरह तो आप मुझे इस नंबर पर 7568 9446 पर आप मुझे व्हाट्सएप और मैसेज भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।